गाइस बारिश के मौसम में चेक करें ब्रीडिंग प्रोग्रेस। जी हां दोस्तों, धांसू तरीके की ब्रीडिंग प्रोग्रेस आज के वीडियो में देखने को मिलेगी। जबरदस्त ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसे होती है, ऐसी ब्रीडिंग प्रोग्रेस राज जाने इस वीडियो में। आज का ये वीडियो है इन्फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा भरा, तो पूरा वीडियो देखें। सो गाइस, मौसम हो चुका है काफी ज्यादा सुहाना और देख सकते हैं बारिश वगैरह भी हमारे भोपाल में होने लगी है। तो आज आ गए हैं कॉलोनी में छत पे, और इससे अच्छा मौसम नहीं हो सकता है जब हम चेक करें यहाँ पर आकर बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं। मैं इसके नीचे हूँ इसलिए मुझे पानी नहीं लग रहा है। देख सकते हैं कितनी तेज़ी यहाँ पर पानी गिर रहा है। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं और आपको चेक कराते हैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस की कितने सारी मटकियों में अंडे आए, कितने सारी मटकियों में शायद बच्चे अभी नहीं निकले होंगे पर अंडे पूरी मटकियों में आ गए होंगे। तो देख लीजिए कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर, ये पन्नी वगैरह भी उड़ रही है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से कॉलोनी के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कॉलोनी के अंदर और बाहर देखिए कितनी तेज़ बारिश चालू हो गई। मैं अभी अंदर ही आया हूँ, पूरा बाहर गीला होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर है हमारे बर्ड्स, मटकियाँ लगी हुई हैं। देरी नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक मटकी में दिखाते हैं कि आपको क्या चल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर बहुत सारी मटकियों में अंडे आ चुके हैं मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। एक लाइक करिए, चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, ये रही हमारी बजीज पैरोट की कॉलोनी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक मटकी में अंडे यहाँ पर आ चुके हैं। पूरे ही बर्ड्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से मस्ती चल रही है और पूरे ही मौसम का लिया जा रहा है यहाँ पर आनंद। मैंने पन्नी ढाक दी है जिससे कि पानी अंदर ना आए, और बाहर मैं आपको दिखाता हूँ बारिश का आलम कुछ इस तरीके का है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही तेज़ बारिश चल रही है, देख सकते हैं आप। चलिए फटाफट से, हम बारिश देखने नहीं आए, हम आए हैं मटकियों के अंदर देखने। तो चलिए कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से या फिर यहाँ से? वैसे हम लोग यहाँ से प्रोग्रेस स्टार्ट करते हैं हर बार, पर इस बार प्रोग्रेस हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मुझे भी नहीं पता किस मटकी में क्या है। कल इस वाली मटकी पे, ये जो आप देख रहे होंगे, यहाँ वाली मटकी के अंडे जो है किसी फीमेल ने या नीचे जावा के पास फेंक दिए थे। तो चलिए फटाफट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इस मटकी के अंदर क्या चल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मटकी के अंदर फीमेल ने दे दिया है एक अंडा। बहुत सुंदर कलर की हमारी ये फीमेल है और यहाँ पर रखा हुआ है इसका ये एक अंडा। तो कैसा लगा आपको ये पहला अंडा, आप देख सकते हैं, मतलब पहली मटकी। चलिए दूसरी मटकी चेक करते हैं, यहाँ पर दूसरी मटकी के अंदर क्या चल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है एक अंडा, फीमेल मटकी के अंदर अभी नहीं देखने को मिल रही है। आइए इसके ऊपर वाली मटकी चेक करते हैं, ऊपर वाली मटकी में क्या चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर दोस्तों फीमेल बैठी हुई है, और मुझे ऐसा लगता है अंडे इसके नीचे हैं। जी हाँ दोस्तों, अंडे नीचे हैं, ये दिखाना नहीं चाह रही है बिल्कुल भी इसके अंडे, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा। हाँ ये देखिए दोस्तों, तीन अंडे। जी हाँ दोस्तों, तीन अंडे फीमेल, देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त कलर की ये फीमेल है। तीन अंडे लेकर अपने साथ में यहाँ पर बैठी हुई है। चलिए डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सो रही थी मैंने, फिर भी आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा उठा दिया। इस वाली मटकी में चेक करते हैं, तो दोस्तों इस वाली मटकी के अंदर भी यहाँ पर आपको तीन अंडे देखने को मिल रहे होंगे। ये मटकी इस वाली फीमेल की है, ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। अंडों की क्वालिटी देखें दोस्तों, ज़बरदस्त क्वालिटी के अंडे हैं। मतलब हर एक अंडे के अंदर जो आपको यहाँ पर बच्चा देखने को मिलने वाला है इस बार, ये उम्मीद है, क्योंकि हम लोग प्रॉपरली यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए कूलर भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर अगर हल्का सा भी मौसम ऐसा होता है कि हब्स बनती है, तो हम फटाफट से कूलर इनके लिए चालू कर देते हैं। तो चलिए इस वाली फीमेल की जो मटकी है, ये यहाँ पर बैठ कर देख रही है कि हम इसकी मटकी में देखने जा रहे हैं। तो ये देखिए इसकी मटकी के अंदर भी ये खाली है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। नीचे वाली मटकी, तो मुझे पता है इसने अंडे कल, इसने मतलब दूसरी फीमेल ने इसकी मटकी में हमला करा और इस वाली फीमेल को मार के इसके अंडे फेंक दिए। फिर भी देखिए इसने एक अंडा दोबारा दे दिया दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब कि इसके दोनों अंडे यहाँ नीचे कल पड़े हुए थे, मैंने देखे थे, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इसने एक अंडा दे दिया, और उसको भी कितने सिक्योरली अपने नीचे यहाँ पर इसने छुपा लिया है। तो आप सोच सकते हैं फीमेल कितनी ज़्यादा एक्टिव है अपने अंडों को लेकर। यहाँ पर जो हमने फीमेल को अभी थोड़ा सा डरा दिया था, वो फिर से अंडों पर बैठ गई है। जी हाँ दोस्तों, बैठ गई है, इस बात की मुझे खुशी है। चलिए उसको नहीं डराते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है मटकियों के अंदर। इस वाली मटकी के अंदर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर फीमेल जो है बैठी हुई है, अंडे मुझे देखने को अभी एक भी नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है शायद इसके नीचे अंडे हों, पर ये थोड़ा सा हटने को तैयार नहीं है, पर मैं फीमेल को हटाऊंगा नहीं दोस्तों। अब जैसे कि मैंने पिछली बार फीमेल को हटा दिया था, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर है ग्रीन कलर की फ़ीमेल, और इसके नीचे भी यहाँ तक है मुझे अंडे देखने को मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अंडे रखे हुए हैं इसके नीचे भी। जी हाँ दोस्तों, अंडे हैं, पर ये हटेगी नहीं, तो इसको ज़बरदस्ती हम डिस्टर्ब करके यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं गुस्से में भी है ये फ़ीमेल और हटने को तैयार बिल्कुल नहीं। मैं हाथ भी लगा रहा हूँ फिर भी। तो चलिए इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हुए अगली मटकी चेक करते हैं कि अगली मटकी के अंदर कितने अंडे हमारे आ गए हैं। तो देखिए बड़ी ज़बरदस्त कलर की दोस्तों ये फीमेल यहाँ पर बैठी हुई है। फीमेल का कलर देखते ही हो जाता है दिल खुश, और अंडे तो नहीं आए, पर फीमेल की वेंट पूरी तरह सूजी हुई है, मतलब कि अंडे इसके अंदर आने वाले हैं दोस्तों। चलिए दूसरी मटकी चेक करते हैं, इसके नीचे रखे हुए हैं दो अंडे। अंडों का साइज़ देखिए दोस्तों, या दोस्तों साइज़ देखिए, भगवान करे नज़र ना लगे, मेरी खुद की भी ये चीज़ मैं बोलूँगा अभी भी, क्योंकि नज़र लग जाती है ऐसा कहते हैं। तो ये देखिए फीमेल की आँखें
फीमेल का कलर और अंडों का कलर देख सकते हैं और अंडे का साइज प्रॉपरली मुझे लग रहा है यहाँ पर दो अंडे रखे हुए होंगे और बहुत ज़बरदस्त प्रॉपरली मुझे लगता है यहाँ पर आने वाले हैं इसके अंदर से बच्चे। अगली मटकी के अंदर हम लोग चेक करते हैं तो फीमेल ये बैठी हुई है और फीमेल के अंडे यहाँ पर नीचे अंदर रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अंडे तो हैं, दिखाना नहीं चाह रही है कितने हैं क्या हैं, तो बिल्कुल भी हम जैसे इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ज़बरदस्ती अंडे देखने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप लोगों को दिख गया होगा यहाँ से भी, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये अंडा यहाँ से दिख ही रहा था अभी थोड़ा सा, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती हम लोग नहीं करेंगे। आप वीडियो पीछे करके देखिएगा, अंडा ज़रूर रखा इसके नीचे। आइए अगली मटकी चेक करते हैं, ये मटकी है दोस्तों खाली। इसके नीचे वाली मटकी के अंदर मुझे उम्मीद है कि फ़ीमेल जो है वो अंडों पर बैठी है। जी हाँ दोस्तों, फीमेल जो है ये देखिए 1, 2, 3 अंडे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। बाकी के अंडे ये देखिए अभी आगे आगे तो देख सकते हैं, यहाँ पर 3 या 4 अंडे भी हो सकते हैं, 3 ही अंडे हैं दोस्तों। ज़बरदस्त कलर की हमारी ये फीमेल और बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंडों की हेल्थ है दोस्तों। चलते हैं अगली मटकी की तरफ, यहाँ पर रखे हुए हैं पंख और यहाँ पर भी थे पंख, तो देख सकते हैं दोनों ही मटकियों में पंख हैं। अगली मटकी चेक करते हैं, यहाँ पर रखे हुए अंडे, कितने अंडे हैं क्या ये हमको नहीं पता, ये इस फीमेल को पता होगा दोस्तों। तो देख लीजिए ये बैठी है फीमेल, ज़बरदस्त तरीके का कलर इस फीमेल का भी है दोस्तों, मतलब लगभग हर फीमेल यहाँ पर येलो कलर है, उसके अंदर हल्का हल्का ग्रीन कलर है। तो ये है ज़बरदस्त, पीछे अंडे रखे हुए हैं। यहाँ नीचे वाली मटकी सबसे पहली प्रोग्रेस वाली मटकी है, तो बहुत सारे अंडे हो चुके होंगे इसके अंदर, तो फीमेल बैठी हुई है अंदर। बिल्कुल भी इसको हम लोग नहीं करेंगे दोस्तों डिस्टर्ब, क्योंकि पिछली बार मैंने डिस्टर्ब कर दिया था तो शायद इसने एक अंडा फोड़ दिया था, तो बिल्कुल भी हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप डिस्टर्ब करते हैं तो दोस्तों ये होता है, अंडों को फोड़ देती हैं। अगली मटकी चेक करते हैं, यहाँ पर फीमेल बैठी है बहुत ज़्यादा गुस्से में, अंडे इसके नीचे शायद हो सकते हैं, वैसे मुझे उम्मीद कम लग रही है पर फिर भी हो सकते हैं दोस्तों, देने वाली थी अंडे या दे दिए होंगे या देगी, तो जो भी है इसको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि हमने करा डिस्टर्ब, इन्होंने फोड़े अंडे। आइए अगली मटकी चेक करते हैं, यहाँ ऊपर एक फीमेल बैठी हुई है, अंदर मटकी के क्या है वो देखते हैं। अंदर तो दूसरी फीमेल बैठी हुई है दोस्तों, और फीमेल शायद साथ में लेकर बैठी है यहाँ पर बहुत सारे अंडे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक का घेराव है, देख सकते हैं आप फीमेल कितनी ज़्यादा फैल कर बैठी है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए फैलने से ही कि इसके नीचे कितने सारे अंडे होंगे। डिस्टर्ब ना करते हुए दोस्तों, मैं चाह रहा था ये दिखा दे पर इसका बिल्कुल भी मन यहाँ पर मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मन होता तो ये थोड़ा सा खुद ही खसक जाती, इसका बिल्कुल भी मन नहीं है, तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मटकी को दूर से ही देख लेते हैं, अगले आगे हम इसकी प्रोग्रेस जो है वो चेक करेंगे कि क्या कुछ इसके अंदर प्रोग्रेस रहेगी। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों पंख वगैरह पड़े हुए हैं इस मटकी में। अगली मटकी चेक करते हैं, इसके अंदर ये ग्रीन कलर की हमारी फीमेल बाहर निकली आई है पहले ही, कि कॉलोनी के अंदर शोर किस प्रकार का हो रहा है उसको ये समझ में नहीं आया, ऊपर बैठा हुआ उसी का मेल, चलिए ये फीमेल यहाँ से उड़ गई है। तो फटाफट से इसके अंदर चेक करते हैं, ये एक अंडा दोस्तों यहाँ पर रखा हुआ है, बहुत बड़े साइज़ का अंडा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये लवबर्ड का अंडा है, छोटे बर्ड का अंडा लग ही नहीं रहा है, देख सकते हैं क्वालिटी। आइए अगली मटकी चेक करते हैं, यहाँ पर आगे वाली मटकी के अंदर क्या है दोस्तों, तो ये है खाली। तो ये थी हमारी कॉलोनी की प्रोग्रेस, यहाँ पर बहुत सारे बर्ड इधर आकर उड़ गए हैं, तो यहाँ पर सब बैठ गए हैं आगे। तो ये रही दोस्तों हमारी इस बार की कॉलोनी फर्स्ट प्रोग्रेस, अभी बहुत सारे अंडे आने और भी बाकी है मटकियों के अंदर। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त क्वालिटी के यहाँ पर अंडे आए और हमारे फीमेल मेल इस बार बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो जो मैंने कूलर बंद किया था वो मैं अभी कर देता हूँ यहाँ पर वापस से चालू, जिससे कि इनका वेंटिलेशन बन जाए। वैसे तो ठंडा मौसम हो गया है, पानी ज़बरदस्त तरीके से गिर रहा है दोस्तों, अब अंदर से मैं बाहर कैसे जाऊँगा मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ से आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी बाहर गिर रहा है। तो अच्छा है मौसम, बर्ड्स भी खुश हैं। आएगा आगे दोस्तों ये हमारे शीट मिक्स के ऊपर वीडियो, तो कैसा लगा आज का ये हमारा वीडियो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगले इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।